नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। कुरुक्षेत्र के गांव अजराना में पानी व गंदगी को लेकर लोगों ने काटा बवाल। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि सड़कों पर कर रखा है कब्जा, सड़कों पर पड़ी हुई है गंदगी। एसडीएम अश्विनी मलिक ने मौके पर बुलाई जेएसबी से सफाई का कार्य शुरू करवाया। सरपंच संदीप कुमार पर लगे हैं आरोप। लोगों का कहना है कि गांव की 100 एकड़ जमीन है जिस पर 35 लाख रुपए आता है। पैसा आने के बावजूद भी गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। जैसे कि इन्होंने सफाई के बारे में बोला तो पीछे 4-5 दिन बारिश की वजह से सफाई की समस्या थी, वो जैसे बारिश खत्म हुई पिछले 3 दिन से सफाई नालों की सफाई करवा दी थी। आज जेएसबी से जो मोटा मोटा बाहर से करवा रहे हैं। बाकी जो लोग पानी की निकासी की बात करें, पानी की निकासी मेरे गांव में बड़ा बुरा हाल है। जब तक इस गाँव की पानी की निकासी नहीं होगी तब तक गंदगी वगैरह कुछ नहीं होगी। इसके लिए माने यहाँ से 2 किलोमीटर पंचायत की जमीन है, वहाँ मछली तलो के लिए तालाब। तो सर गांव का आरोप है कि जो ग्रांट आएगी या ग्रांट वितरण इतना भी ग्रांट बीपीएल है जो कॉलोनियाँ हैं और उनके लिए भी आपने भी आरोप लगाए गए कि 20,000 रुपये पर कॉलोनी लिए गए। देखो आरोप लगाने का क्या मतलब है, तो कोई जिसकी कॉलोनी आई वो बोलता है तो बात है। तो लोग तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगावा, परमात्मा ने छोड़ दे। रही जितने मंत्री साहब ने ग्रांट दिया सब काम हर एक व्यक्ति का जिसका ग्रांट है उसका काम हो रहा है, नहीं हो रहा तो लोग लिखित में कार्रवाई अपना दरखास्त दे सकते हैं, हम अपनी जो भी होगी उनको बता देंगे। देखिए 5-7 शिकायतें कुछ गलियों की है, कुछ पानी की निकासी की है, कुछ सफाई व्यवस्था की, तो इसमें काफ़ी आरोप भी हैं सरपंच के ऊपर भी हैं। जो इमीडिएटली आज हम कर सकते हैं वो जेसीबी लगा दिए सफाई के बारे में। जहाँ तक जोड़ पे कब्जे की बात है और बाकी है, कल का मैंने समय दिया है, मेरे पास आ जाएंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड देख के उसके हिसाब से कोई भी जितना भी जोड़ का एरिया है वो खाली कराया जाएगा। और जैसे सरपंच का भी आरोप था कि इस गली में इनक्रोचमेंट है, तो इनक्रोचमेंट भी सारी, अगर कोई लैंड ऑर्डर की दिक्कत है तो पुलिस हेल्प लेके वो सारा ठीक करा दे। क्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।